इससे पहले ये बंदे मेरे को परेशान कर रहे थे, लोग पता नहीं क्या कर लेते, ठीक है, पर उसने ही मेरे को बचाया था। वीडियो था इसका फेस का वीडियो था, इसको बाजू में खड़ा कर। बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत बहुत सॉरी भाई, जिम्मी भाई सॉरी, एक बार सॉरी बोलता हूँ भाई दिल से भाई सॉरी, ठीक जी जी भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाई भाई, जिम्मी भाई चलो भाई निकल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेजी व्लॉग्स। तो कैसे अपनी लेजी फैमिली, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा आ गया एनर्जी के साथ। इससे पहले वाले भाई व्लॉग में आप लोगों ने क्या सपोर्ट दिखाया, क्या मजा आ गया यार देख के, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ एक बार, थैंक यू सो मच। एंड ये व्लॉग में आप लोग को पता है ये विलन गैंग का लास्ट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद मतलब इस पार्ट में शायद मैंने बता दिया कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया विलन गैंग के साथ। तो इस पार्ट में आप कंटिन्यू हो गए आपको पता चलेगा। एंड भाई आप लोग इंस्टा पे फॉलो करो यार, इंस्टा पे जाकर फॉलो करो फटाफट से, रील्स और फोटोज वगैरह जाते हैं ये इंस्टा पे और काफी लोग फॉलो करते हैं। आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रहे, काफी अच्छा लग रहा है देख के। एंड सूरत से भी काफी लोग मिलते हैं, जो आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं सूरत में रहता हूँ, सूरत से काफी लोग मिलते हैं मुझे और पहचान भी जाते, तो काफी अच्छा लगता है वो भी देख के। थैंक यू सो मच। एंड यार कमेंट का टारगेट पूरा कर दो प्लीज, आगे फटाफट से जाके कमेंट का टारगेट पूरा कर दो। ये लास्ट पार्ट है यार विलन गैंग का, लास्ट पार्ट है तो लास्ट पार्ट की इज्जत रख लो प्लीज प्लीज। 1K कमेंट यार पूरा कर दो फटाफट। भाई साहब बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे यार, मैं बाल जाके सेट कर लेता हूँ, आप लोग जाके व्लॉग पूरा देख लेना एंड कमेंट एंड लाइक सब कुछ कर देना यार फटाफट से जाके। सो जाइए और देखिए भाई, ऊपर का ऑफर आया है अभी। हां गब्बर बोल रहा है कि फटाफट ही कर लो भाई मेरे से, इस तरह किस तरह पता होती होगी, जा गब्बर को यहां बुला जा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मेरे लिए कि मैं दिल्ली खड़ा रहूंगा भाई, जाके वहां पर बैठ जाना मेरे को, क्या है भाई यार बैठ जा तू मेरा आ गया। ओए पानी ला, काय पानी ला, क्या पानी यार क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा है। गब्बर भाई का फोन आया था, क्या बोले गद्दा का काम पूरा काम भाई। अरे शिट यार क्या करा तुम लोग ने अली भाई के साथ, क्या करा बताना, तेरा वो सब काम नहीं है, वो सब जानना तेरा काम नहीं है, करना तो है इसका कुछ ना कुछ। भाई मैं मेरी बात सुनो, मैं लड़ने के लिए आया ही नहीं था, ठीक है, मेरे को दड़ाया कैसे, मेरे को तो ये मगज में है कि तू जानता है मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर भी तूने मेरे भाई को दड़ाया, मेरे भाई को हैरान करा, जानता है मुझे, फिर भी तूने ऐसी गलती कर दी भाई। वो बात नहीं है, वो बात नहीं है ठीक हो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे भाई ने मुझे परेशान करा, अभी तुम उसकी जगह होते ना मैं भी तुम्हारे साथ यही करता। भाई ने क्या परेशान किया था तुझे, मेरा भाई तो बोल रहा था कि इसकी लड़ाई खुद में गद्दार के साथ हुई थी हमारे। हाँ तो वो अली भाई के साथ पहले मेरी लड़ाई हुई थी, तो उसके लिए ये भाई आए थे ठीक है, और ये भाई ने मुझे किडनैप करा, 2 दिन में वो रखा था, मैं क्या करूँ बताओ तुम, मैं क्या करता, मारा ना तो हमारे आदमी को ही मारा ना तूने तो। हाँ तो तुम्हारे आदमी तो, फिर लास्ट में तुम्हारे आदमी को पता चला कि कौन सी है, तो मेरे पास आया ना, तो मेरे साथ हुआ ना वो। तुम क्या हिसाब से अपने आपको सही बता रहे हो तो बताओ मेरे को, तुम क्या हिसाब से अपने आपको सही बताते हो कि मैं सही हूँ, हंटर था वो तुम्हारे पास आया, तुमने उसका हेल्प किया। मैंने उसका हेल्प कहाँ से दिया, मैंने कहाँ उसका हेल्प किया, उसने मेरी हेल्प करी ना, तुमने तो उसको बचाया ना रिटर्न दूसरी बार में, तो बचाऊंगा ना वो तो बात है ना, जब उसने मेरी हेल्प करी तो भाई मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी हेल्प करूं, मेरे लिए तो मेरी जो मेरे लिए मेरे जिसे उसने बचाया उसके लिए ना। इससे पहले ये बंदे मेरे को परेशान कर रहे थे, लोग पता नहीं क्या कर लेते, ठीक है, पर उसने ही मेरे को बचाया था और तुम्हारे बारे एक काट डालूंगा हाथ नीचे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ ठीक, तुम्हारे बारे में भी उसने मेरे को बताया था कि तुम आ गए हो ठीक है, उसने मेरी हेल्प करी तो मैं उसकी हेल्प करा। इसका वीडियो था, इसका फेस का वीडियो था, इसको बाजू में खड़ा कर इधर। क्रिमिनल का एक बार थप्पा पड़ जाता है ना वो पड़ जाता है, समझा। चल अब तेरे को क्या करना है बोल, मारना है तेरे को इसको, इसको पकड़ तो लिया, कहीं जा नहीं सकता, बच के इतना गुस्सा निकालना है भाई, मेरे को परमिशन दो इसको भी गद्दार की निमत। नहीं 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 वरदान, अभी ये काम नहीं करना है वरदान। तुम मेरा भाई देख, मैं डरता नहीं हूं ठीक है, डरता तो यहां पे आता ही नहीं ठीक है, समझे, डरना पड़ता नहीं है। हां मैं डरता नहीं, ला गन ला अपनी घोड़ा ला। नहीं नहीं भाई नहीं, जाए भाई गन, इसको यूं ही सबक सिखा दो इसको, क्या सबक, तेरे गद्दार का गेम बच गया उसने, तेरा भी गेम बच जाएगा। गब्बर भाई का ऑफर आया था, जरा तेरे बोले वतन फोन ले आया मेरे पास, मेरे गब्बर भाई नहीं ठीक है, वो तुम्हारे दोस्त है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, हमारा गद्दार है वो, दोस्त मत बोलियो बराबर, तेरे को कह दिया हमारा दोस्त है, क्या करना है, तूने बहुत परेशान किया है मेरे बंदे को, बहुत परेशान किया तूने भाई, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं ठीक है, मैं लड़ने के लिए नहीं, मेरे बंदे को परेशान क्यों किया था, देखो मेरे को पता है भाई तुम कैसे हो ठीक है, पर मैं सॉरी चाहता हूँ, मेरे को नहीं लड़ना तुमसे।
मैं माफ कर दूं तुझे वांदा नहीं, पर मेरा भाई जो बोले वो, मेरे भाई को क्या करना है, मेरे भाई को तेरे को अजू मारना है, क्या करना है मेरे भाई पर है। तूने बहुत परेशान किया, बोला था कि तेरे बड़े भाई को बुलाना, ले मैं आ गया। तो भाई मैं इसीलिए बुला रहा था, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग को कोई भी समझ नहीं रहा था मेरी बात, न ये भाई न ये, या कोई भी नहीं समझ रहा था, सिर्फ लड़ने की बात कर रहे थे लोग, सिर्फ मार मारी कर रहे थे। मेरे को कैसे पता चला, पता है कि तुम कैसे हो? मेरे को पता है कि भाई तुम कैसे हो, ठीक है? तुम्हारे ऐसे जिद्दी विद्दी वाला काम नहीं, मेरे को सब पता है, मेरे को गब्बर भाई ने सब कुछ बताया। तो मेरे को एक ही ध्यान में आई बात कि भाई तुम ही मतलब अच्छे इंसान हो, तुमसे ही मेरे को बात करनी पड़ेगी, तुम ही समझदार हो। तब क्या करना है, तूने हैरान करा मेरे भाई को, हैरान करा जिम्मी को, तो इससे माफ़ी मांग ले। मेरा भाई अगर तुझे माफ कर देगा तो मैं मीटर यहीं पर क्लोज कर दूंगा। अरे भाई मार के क्या करेंगे अपन, गद्दारों को मार के कुछ फायदा नहीं है इसको। मार के इसको कुछ फायदा नहीं है क्या, कुछ अपना ही नाम खराब हो जाएगा, मारने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे एलू पेलू को मार के अपनी इज्जत खराब करने की। वो तो अली के लिए मैं पढ़ेला था, इतने साल उसने ऐसा करा, अली का तो गेम बच गया है। अली भाई मेरे साथ थे और कोई अली नहीं भाई था। तेरे तो उसके लिए ही मैं आया था, उसके लिए ही मैं आया था। तुम्हारे अली भाई का गेम बच चुका है, सुन लो। मेरे को लड़ना होता ना भाई, मेरे को लड़ना होता ना तो अभी मेरे को, जैसे मेरे को दो दिन पहले ही अली भाई ने बता दिया था कि तुम आने वाले हो, ठीक है? मेरे को बता दिया था दो दिन पहले। मैं चाहता तो गब्बर भाई को बता सकता, उनके बंदे भी लेके आ सकता, मैं उनके साथ ही घूमना। बुला ले, बुला ले, बुला ले, वो रिटर्न गब्बर भाई का नाम मत ले ना, बुला उसको गब्बर को। समझा रहा हूँ कि गब्बर भाई होते ना, मैं बुलाता तो भी कोई मतलब नहीं था, ठीक है? मैं लड़ता गब्बर भाई से कुछ उकलने का भी नहीं है। पता है भाई तुम लोग ऊंचे हो, गब्बर भाई से भी ऊंचे, मुझे पता है भाई। मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। गब्बर भाई तेरे लगा रखेगा, गब्बर भाई से कुछ उकलने का नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, मैं देखो मैं माफी मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है? अगर मेरे को तुमने फोन तो करा, गब्बर भाई कहाँ से बीच में आ जाए, तू माफी मांगने आ जाएगा। गब्बर भाई की बात इसलिए कर रहा था, गब्बर भाई को टोपी है, गब्बर भाई को टोपचन है। अरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे सॉरी, मैं वो मेरे साथ बड़ा हुआ है गब्बर भाई तेरा, वो गब्बर भाई बहुत मेरे बहुत डरता है, डड़ के रहा है मेरे से, वो गद्दार है, वो भी एक नंबर का। मुझे पता है आप ऊंचे लेवल के, मुझे पता है उनसे बड़े हो आप। गब्बर इसे कहीं कितने पंटर है मेरे, अंटर पंटर। मेरे को तो आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पर वो मेरा खास पंटर था अली, उसके लिए मैं आया बीच में, बाकी मैं सब ये चीज में मैं नहीं हूँ। अब क्या करना है तेरे को, मीटर बढ़ाना है कि मीटर खत्म करना है? खत्म ही करना है, ठीक है? मुझे खत्म करना है तो कैसे खत्म करेगा? मैं आपसे भी सॉरी चाहता हूँ, बस विलन भाई आपसे भी सॉरी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई, क्योंकि मेरा भाई बहुत लेट हो रहा है मेरा, है ना भाई, ये सब मसला है, मुझे खत्म ही करना है, क्योंकि सब जगह मेरा फेल गया, ठीक है? ये विलन गैंग का सब जगह मेरा वो फेल गया, सब मुझे पूछे कि भाई क्या हुआ है विलन गैंग के साथ तेरा, ठीक है? मुझे मेरा सिर्फ कैमरा दे दो, मैं चले जाऊंगा यहाँ से, मुझे मेरा हेलमेट और कैमरा दे दो, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से सब खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम कभी कोई क्रिमिनल की मदद भी किया ना भाई, कोई किसी का ही पंटर हो तुम बोलो अभी, इसको पता डालो मैं यहाँ पे। नहीं 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 काना, नहीं नहीं वरदान, जाता करो अभी इसे पहली और छिली बार, इसको तुम याद से तुम कह दो एक बार प्यार से, तो फिर मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा आइंदा मेरा आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए। किसी क्रिमिनल की मदद नहीं करना, कोई भी भाई का पंटर हो, कभी भी हेल्प मांगना तो पहले पूछ लेने का उसको, भाई तू क्या काम करता है, क्या नहीं, लोग तुझे क्यों मार रहे, उसने क्या किया गैंग के साथ, गद्दारी करी, तेरे को पता है हमारी गैंग में क्या गद्दारी करी थी उसने भाई, मुझे तो उसकी हेल्प कर दी। मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, मेरी तो सिर्फ उस बंदे ने हेल्प करी थी, इसके लिए मैंने उसकी हेल्प करी। तुम्हारे क्या करना है बोलो, तुम बंदा सीधा दिख रहा है, मेरे को नहीं तो सीधा ये अपन इसके जो वो सब सबके साथ घूमता है ना, ये वो सब गलत। मैं किसी के साथ नहीं घूमता यार, मैं अपना देखो मेरा, आपने शायद ही देखा होगा, मैं यूट्यूब चैनल में वीडियोज वगैरह बनाता हूँ, और मैं अपना वीडियोज वगैरह बनाता हूँ, और क्या करता हूँ। फिर तू ये सब चीज के बीच में किस तरह फंस गया, किस तरह फंस गया, वो उसको ही पता है ना, वो जो अपना विलन का जो बंदा था, वो तुम्हारा अली भाई जो, अब वो तो रहा नहीं। उसको कुछ भूल जा, तू वो गया, वो खलास हो गया, उसका पता नहीं सब, उसने ही मेरे को आके बताया था। एक और तुम्हारा बंदा था चश्मे वाला, वो भी पता नहीं कहाँ है, वो भी सब गायब है, तुम्हारे कोई बंदे नहीं, जो मेन तुम्हारे आगे जो हमारे साथ आए थे, उसकी वजह से तो लड़ाई चली थी, उसकी वजह से मुझे अली भाई बचाए थे, और फिर अली भाई से लड़े और तुम लोग से आए, दूसरी बार कभी भी दूसरी बार फटे में किसी के अड़ाने का नहीं टांग अपना, और छिली बार तुझे माफ कर दिया, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं जाता कर रहा हूँ, इसका कैमरा भी देना इसको, चल अब अपने अपने घर, अब कभी याद रखना कोई भाई के पंटर हो, कोई भाई से मत भिड़ना।
आज मैंने तुझे छोड़ दिया, कभी कोई मेरे हाथ के नीचे वाला भाई लोग होगा ना तो ठोकी डालेगा तेरे को भाई। पर मैं सॉरी चाह रहा हूँ ना भाई, इसके लिए सब चिड्डी बिड्डी में मैं हाथ नहीं डालता है सब चीजों में। भाई से माफी मांग लेना जिम्मी भाई से। भाई जिम्मी भाई सॉरी चाहता हूँ, बस एक बार सॉरी बोल रहा हूँ। देखो अगर तुम लोग मुझे जानोगे ना भाई, मैं ऐसा बंदा नहीं, मुझे लड़ाई झगड़े से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। काय में इंटरेस्ट है भाई, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट है, मुझे लड़ाई झगड़ों कोई। देखो मेरा क्या काम हुआ था, गब्बर गैंग से जब मेरी लड़ाई हुई थी ना, वो भाई भी गब्बर भाई जो था ना वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी कोई लड़ा वगैरह नहीं करी। टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलो बटाउट हो गया ना। हाँ भाई, पर एक बार मेरी बात सुनो, कोई छेड़ेगा ना। हाँ, तू भी मेरे किसी बंदे को हैरान मत, मैं किसी को नहीं हैरान करूंगा भाई, फ्रेंडली बनकर रहने का। हाँ एकदम फ्रेंडली रहूंगा, बस सिर्फ आप बोल देना ये कोई मेरे साथ लड़े नहीं, बस प्लीज। चलो जाओ तुम हमारे घर। बहुत बहुत थैंक यू भाई, बहुत बहुत सॉरी भाई जिम्मी भाई, सॉरी एक बार सॉरी बोलता हूँ भाई दिल से भाई, सॉरी। चलो भाई सॉरी भाई, सॉरी एक बार बोलता हूँ भाई, सॉरी यार। अच्छा वो विलन गैंग सब खत्म हो गया यार। भाई विलन भाई मैं निकलता हूँ भाई, ठीक है ना भाई। आप प्लीज़ यार कोई से कोई मैटर मत करवाना यार, बंदों को समझा देना एक बार। ठीक जी जी भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाई। भाई जिम्मी भाई चलो भाई निकलता हूँ यार, चलो चलो यार यहाँ से निकलता हूँ यार मैं। चलो यार जो भी है यार, मीटर क्लोज हुआ यार, मेरी सांस में सांस आई, मेरी तो यार सांस अटकी हुई थी। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये लोग ने अली भाई के साथ क्या करा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे यार। सो अभी तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। सबसे पहले मेरे को फटाफट अभी यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अली भाई को ये लोग ने कुछ तो करा है, ये लोग ने समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ यार। चलो यार घर निकलता हूँ पहले फटाफट।